पढ़ेंगे इंश्योरेंस, उसका इतिहास, फिर ब्रिटिशरों के जमाने में क्या था, आगे नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, वो सारी चर्चा करते हैं। इंश्योरेंस का विश्व इतिहास कि प्राचीन विश्व में कहां से शुरू हुआ और वो सब, यूपीएससी के लिए ये काम का नहीं, इंश्योरेंस की दे रहे परीक्षा घर पे पढ़ लेना। सेम वे इंश्योरेंस के बैकएंड में कोई ना कोई थियरी होगी, कौन सी, मैथमेटिकल थियरी, स्टैटिस्टिकल थियरी, प्रोबेबिलिटी थियरी, उस हिसाब से कंपनियां तय करती होंगी कि भाई प्रीमियम इतना होना चाहिए, रिटर्न इतना ऑफर करना है, इस पे ये वो हुआ थे। तो वो किसके दिमाग की उपज है, वो एडमंड हेली, जेकब बर्नोलिस, तो वो क्या था, अगर वो आप नॉन यूपीएससी दे रहे हैं तो पढ़ लेना अपने लिए थोड़ा जो कुछ काम का है तय करके। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में इंश्योरेंस कब से शुरू, एज सच 1000 बीसी में आर्यन लोग भी कम्युनिटी इंश्योरेंस टाइप की वहां पर कोई सिस्टम थी, ऐसा हमें कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। सेकंड, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये उनका वो पूल और वो जो भी था ग्रामीण, वो सारी चीजें, सो इट वॉज वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन इट सेल्फ। कैसे, घर का एक व्यक्ति अगर वो अपाहिज हो गया, मर गया, तो दूसरे लोग उसके डिपेंडेंट का ख्याल रखेंगे। ऋग्वेद के अंदर एक शब्द है योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब होता है वेलबींग। अब ये योगक्षेम, एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो वो बिल्डिंग का नाम क्या है, योगक्षेम। और दूसरा, एलआईसी अपनी एक कॉर्पोरेट मैगजीन भी चलाता है, उसका नाम क्या है, योगक्षेम। आगे गीता में एक चीज लिखी है, योगक्षेमम वहाम्यहम, दैट मींस आई इंश्योर द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ माई डेवोटीज। तो एलआईसी का मोटो क्या है, योगक्षेम वहाम्यहम। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी सर्विसेज भी उसी हिसाब से होती हैं। आई इंश्योर मेरे कस्टमर हैं, वो मेरे गॉड हैं और मैं उनकी सेफ्टी इंश्योर, नो, दे आर माई डेवोटीज और मैं उनकी। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रिटिश इंडिया के बाद क्या हुआ। एज सच L1 P6 टू P8 में हमने जो बैंकिंग इंडस्ट्री में पढ़ा था, उसके पैरेलल ही यहां मुद्दे चल रहे हैं कि सबसे पहले कुछ फिरंगी बैंक थी, राइट, वो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में बनी और फिर मर्ज इंपीरियल बैंक, SBI, वो सारी चीजें। तो ऐसे कुछ फिरंगी बैंक बनी, फिर अपनी कोई स्वदेशी बैंक बनी, और फिर ये सारी सिस्टम खड्डे में गई, कब, अमेरिकन डिप्रेशन के वक्त। तो फिर ब्रिटिश सरकार को लगा नहीं, कोई सुपरविजन टाइप होना चाहिए, तो RBI बनाया गया। आगे चल के आजादी मिलती, आजादी के बाद ये जो बड़ी बैंक थी वो केवल बड़े कॉरपोरेट, मतलब ऐसे इंडस्ट्रियल हाउसेस को केटर करते थे, गरीब लोगों की मदद नहीं करते थे। तो सरकार ने सोचा इन सबको कैप्चर करके हम बैंक नेशनलाइजेशन करेंगे। नेशनलाइजेशन किया तो फिर सिस्टम खड्डे में चली गई। और 90s में फिर क्या किया, नरसिम्हन कमेटी बनाई। नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि नई प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देना चाहिए, और फिर वो मुद्दा आगे आगे चलता रहा। और अंत में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और दूसरी नए लेके आए स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो ये जो लॉजिकल फ्लो चल रहा है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकली वही चीज इंश्योरेंस में भी चल रही है। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, आप याद करो फिरंगी बैंक बनी थी, वो किसके लिए, वो ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रिटिश जज, सिविल सर्वेंट, उनको घर पे पैसा कुछ भिजवाना हो, उनका पगार या वो सब चीजों के लिए। सेम वे ब्रिटिश इंडिया में भारत के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी ऐसी फिरंगी बनी, वो किसकी मदद के लिए, फॉर द यूरोपियन विडोज, यूरोप में रहने वाली महिला और उनके पति यहां पे आए हैं, राइट, वो किसी लड़ाई में मारे गए, देशी पी के मर गए, या मलेरिया में मर गए, तो उनकी विधवाओं का ख्याल करने के लिए ये चल रही थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, एज सच में सारे ये साल में ये बना वो पढ़ूंगा नहीं, अपने के लिए ये काम का नहीं, राइट, वो अगर आप ये इंश्योरेंस की परीक्षा दे रहे तो ध्यान से देख लेना, अपने लिए मेन मेन पॉइंट देखना है। तो फर्स्ट थिंग, इनका क्लाइंट ग्रुप या टारगेट ऑडियंस कौन था, यूरोपियन विडोज। सेकंड थिंग, ये लोग ऐसा सोच के चलते हैं, वो रेशियल डिवाइड वर्ग, वो कि रेशियल सुप्रीमसी, कि ब्रिटिश या यूरोपियन गोरा व्यक्ति, उसके तुलना में भारत का व्यक्ति, उसका वो जीनेटिक स्ट्रक्चर ही घटिया है, उसका लाइफस्टाइल घटिया है, वो ठीक से खाना और वो बीमारी वगैरह, सो देयरफॉर इंडियन क्लाइंट इज अ रिस्की पर्सन, वो जल्दी से मर जाए, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। तो जब भी कोई इंडियन व्यक्ति ऐसी ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी खरीदने जाता, तो उस पे 20% ज्यादा प्रीमियम लिया जाता था कंपेयर टू अ व्हाइट पर्सन। सो दिस टाइप ऑफ डिवाइड वॉज प्रेजेंट। आगे मतलब उसी तकलीफों के चलते, और फिर अपना ये स्वदेशी और वो सब, खैर, तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस कंपनी 70s में बनी, वो ऐसी भारतीय कंपनी थी जहां पर बोला गया कि हम इंडियन क्लाइंट से ऐसा ज्यादा एडिशनल प्रीमियम चार्ज
नहीं करते। तो ये लाइफ इंश्योरेंस, फिर जनरल इंश्योरेंस में क्या हुआ 1850 में रिटर्न कटा, फिर दूसरा बना, तीसरा, ठीक है अपने लिए काम का नहीं, आप इंश्योरेंस की पैसा दे रहे तो पढ़ लेना। आगे बात, सुपरविजन की आवश्यकता फिर लगी, क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उसके साथ साथ जैसी फिरंगी इंश्योरेंस कंपनी थी अपनी भारतीय इंडियन इंश्योरेंस कंपनी भी बढ़ने लगी। तो फिर सरकार को, ब्रिटिश सरकार को ये लगा इतनी सारी कंपनियां हैं, प्रीमियम में पैसा जा रहा है, कुछ सिस्टम पे रखना चाहिए। तो 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट बनाया गया, उसी प्रकार 1938 में इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और आप इंटरेस्टिंग चीज ये है, 1930 इंश्योरेंस एक्ट वो अभी भी चालू का चालू ही है, और उसमें थोड़े सुधार कब किए ये अपना 2015 वाले अमेंडमेंट। खैर, तो कुछ इस तरह ये ब्रिटिशरों के जमाने में क्या चला था देखा। आगे आजादी के बाद क्या, आजादी के बाद जो बैंक थी जिस तरह वो खड्डे में गई थी, राइट, सेम वे यहाँ इंश्योरेंस कंपनी। बाय द टाइम ऑफ मिड 1950s अगर हम देखें, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी 154, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी थी 16, और प्रोविडेंट सोसाइटी के नाम पे 75 ये चल रहे थे। लेकिन ये सभी जगह पे स्कैम्स, इम्प्रोप्राइटी, इम्बेजलमेंट, लालियावाड़ी बदू टुकमा चालतू हतू, अने इसकी दवा क्या कर सकते हैं, इन सभी को कोई कानून के तहत टेक ओवर कर लिया जाए और कोई सरकारी संस्थान ये पूरा इंश्योरेंस का काम करे। तो दो टाइप की सरकारी संस्थान बनानी पड़ेगी, वन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर फॉर जनरल इंश्योरेंस। तो लाइक दैट इन द ईयर 1956 LIC वो कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया गया, जिसके चलते उसने यहां पर से 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी थी वो सारी उसके एवज में, और फिर वो पूरा बिजनेस उसने देख लिया। अब ये आंकड़ा कुछ किताबों में 245 बोला है, कुछ जगह पे 243 बोला, डिपेंड कर, अपने लिए इतना काम का नहीं। तो एक सबसे पहले किसका हुआ, लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन। आगे इन द ईयर 1972 बोला कि अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी ऐसा ही करना है, तो एक जनरल इंश्योरेंस GIC का कानून बनाया गया, नेशनलाइजेशन एक्ट बोल के 107 इतनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया। अगर टाइमलाइन दिमाग में विजुलाइज करनी हो, बैंक नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, इन द ईयर 1955 एक थी इंपीरियल बैंक, उसका क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इन द ईयर 1969 14 बैंकों को पकड़ा, जहां पर की डिपॉजिटर्स का 50 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा जमा था, ऐसी 14 बैंकों का पकड़ के नेशनलाइजेशन किया। फिर 1980 में दूसरी 6 बैंक ऐसी पकड़ी जहां पर डिपॉजिटर का 200 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा निवेश था, राइट। इसके बारे में हम L1P5 में चर्चा कर चुके हैं, ये तो टाइम फ्रेम अपने दिमाग में फिट हो। तो 55, 69, 80 में ये हुआ बैंक नेशनलाइजेशन। तो उसके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंश्योरेंस में क्या मुद्दा चलता रहा, 55 में SBI बनी तो सामने, इन द ईयर 1956 लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन होके हो गया LIC। सेम वे इन द ईयर 1972-73 में ये जनरल इंश्योरेंस के लिए GIC एक्ट, तो ऊपर ये GIC और उसके नीचे 4 सब्सिडियरी, वो ओरिएंटल, न्यू इंडिया, वो सारे लोग, ऐसा बोल के वो खड़ा हुआ और 107 दूसरी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो हमने ये इंश्योरेंस उसकी प्राचीन भारत ब्रिटिश इंडिया में देखा, और फिर आजादी के बाद नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा और किस टाइम फ्रेम में किया गया वो देखा। अब क्योंकि नेशनलाइजेशन किया है तो स्वाभाविक है सरकारी कोई कंपनियां कॉरपोरेशन बने होंगे, तो ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन की चर्चा करते हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस की बात करें, एक तो होगा लाइफ इंश्योरेंस, उसमें कौन है, LIC। दूसरा होगा नॉन लाइफ या जनरल, तो उसमें कितने हैं, कुछ बोलते हैं 4 है, कुछ बोलते हैं 4+2। दो कौन से, एक एक्सपोर्ट का, दूसरा एग्रीकल्चर वाला, सभी हम तो आराम से देख लेंगे। एंड थर्ड विल बी ये लाइफ और नॉन लाइफ वालों ने तो इंश्योरेंस किया, बट उसके ऊपर उनका इंश्योरेंस, राइट, दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस, उसके लिए क्या है, GIC, ठीक है। LIC क्या चीज है, स्थापना दिन 19 जनवरी 1956, वो सब अपने लिए नहीं, वो दूसरी परीक्षाओं की। खैर, तो उस वक्त क्या हुआ, ये सभी जो दूसरी थी उनको नेशनलाइज करके ये अपना LIC बन गया। एज सच LIC क्या है, एक एक्ट के तहत ये कॉरपोरेशन बना है, तो याद क्या रखना है, इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब ये कॉरपोरेशन, कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इन सब में क्या फर्क होता है, क्या फीचर रहते हैं, L5P3 में हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं उस हिसाब से। LIC एज सच तो उसका GK फैक्टर बहुत सारे निकाल सकते हैं, योग से महामयम और वो सारी बातें करें, फिर क्या अभी चेयरमैन कौन है, लाइक दैट, ठीक है, वो सब में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ऐसे परीक्षा इंटरव्यू है तो नेट पे देख लेना। LIC एक है, और उसकी सब्सिडियरी के रूप में बोलना हो तो LIC इंटरनेशनल है, म्यूचुअल फंड की अलग, पेंशन फंड की अलग, और ओवरसीज के नाम पे नेपाल, लंका और दूसरी जगह पे सऊदी वगैरह में टाइप किया है, और इस प्रकार से कुछ काम हो रहा है।
प्रोटेक्टिंग, तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में लाइफ और उसमें एलआईसी, फिर एलआईसी की कितनी स्कीम वगैरह चल रही है नेट पे आपको मिल जाएगा। अभी आते हैं नॉन लाइफ, नॉन लाइफ में कितने, 4+2। आप याद करो ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी में तिरंगी बैंक बनी थी, कौन सी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो यहां पर भी ये जो पुरानी वाली मतलब ब्रिटिश इंडिया में कुछ इंश्योरेंस कंपनियां थी, आगे चल के उनका नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ था, तो उनकी भी बैक एंड में आप स्थापना देखो तो उसी ऑर्डर में चल रहा है कि सबसे पहले बंगाल में बनी वो थी नेशनल इंश्योरेंस, देन मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, थर्ड इज नीचे होगा मद्रास, तो चेन्नई में है यूनाइटेड इंडिया, और उसके बाद आजादी के वक्त 1947 में ओरिएंटल, और क्योंकि आजादी के वक्त तो फिर फोकस कहां पे था, दिल्ली में, तो वो दिल्ली में बन गया। तो चार जो अपनी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड, ये सारी, तो इस सीक्वेंस में चला। विजुलाइज आप क्रोनोलॉजी आसान है, आप याद करना बराबर, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड देन दिल्ली। अब ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा थोड़ा फैक्टोरेट जी के देख लेते हैं। नेशनल इंश्योरेंस वो सबसे पहले बनी, हेडक्वार्टर कलकत्ता में और ऊपर का नॉर्थ ईस्ट रीजन ये लोगों ने कैप्चर करके रखा है। सेकंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, वो मुंबई में बनी और सर दोराबजी टाटा ने ये स्थापना की थी। ये ऐसी प्रथम कंपनी थी जो फुल्ली इंडियन ओन्ड, और अभी ये है फुल्ली 100% गवर्नमेंट ओन्ड। ओवरसीज मार्केट में ये इसका दबदबा है, मतलब वो वहां पे ज्यादा फोकस करती है कंपेयर टू लोकल, और हम ये इसरो वाले सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो स्वाभाविक है उसका भी इंश्योरेंस लेना पड़ता होगा, तो इन्होंने INSAT-2E का इंश्योरेंस किया था, तो ये इनका मेजर पॉइंट रहा। फिर क्रोनोलॉजिकली हम देखेंगे तो यूनाइटेड इंडिया ये 38 में बनी, नीचे चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है, ONGC के ऑफशोर एसेट, फिर ये क्योंकि साउथ में ऑपरेट कर रहा है तो तिरुपति बालाजी वो मंदिर का इंश्योरेंस, हैदराबाद वो एयरपोर्ट है उसका इंश्योरेंस, मुंबई के अंदर भी एयरपोर्ट का इंश्योरेंस, तो ये सारा इन्होंने जनरल इंश्योरेंस देख के रखा। एंड फोर्थ विल बी ओरिएंटल इंश्योरेंस, 47 में बनी, एज सच ये पहले गवर्नमेंट ओन कंपनी थी, फिर LIC में इसको नीचे डाल दिया, फिर जाके बोला कि GIC में डालते हैं, आगे चल के 2003 में इंडिपेंडेंट कंपनी करते हैं, और इस प्रकार से मतलब बाय बाय चाणी चलती रही। मेजर इनकी हाईलाइट क्या है, अपने जामनगर में मुकेश भाई अंबानी की रिलायंस रिफाइनरी, तो स्वाभाविक है उसका भी वो इंश्योरेंस करना पड़ेगा, ये इन्होंने देखा है। और एज सच ऐसे ही बड़े जो भी पावर, स्टील, केमिकल प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहते हैं तो ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले उसे देखते हैं। ठीक, अभी जरा इनका स्ट्रक्चर हम समझिए। एज सच हमने बात की 56 में क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन, 72 में क्या किया, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन। तो उस वक्त चित्र कुछ ऐसा था ओनरशिप स्ट्रक्चर में, सबसे ऊपर मालिक कौन, सरकार, उसके नीचे GIC, और GIC के नीचे ये अपनी चार, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस। तो इस स्ट्रक्चर को बोला गया, ये क्या है, एक तो है होल्डिंग कंपनी और नीचे ये सारी बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। क्यों ये सब्सिडियरी क्यों है, क्योंकि इसके बाप के रूप में ऊपर एक कंपनी है, दैट इज होल्डिंग कंपनी। सो गवर्नमेंट ओनर, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। अब आगे चल के जैसे वो अर्ली 90s में नरसिम्हन कमेटी बनी बैंकिंग सेक्टर सुधार के लिए, उसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर सुधार के लिए 93-94 में मल्होत्रा कमेटी आई। मल्होत्रा कमेटी ने क्या बोला कि ये जो अपना होल्डिंग है और सब्सिडियरी है ऐसा नहीं, ये GIC को आप अलग ही कर दो और वो केवल री इंश्योरेंस बिजनेस का काम देखे, बाकी उसके नीचे जो चार सब्सिडियरी बैठी है उसको आप अलग अलग कंपनियों के रूप में रजिस्टर करा दो। और उस वक्त ऐसा तो किया तो गया, बट देवर 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। तो मल्होत्रा ने बोला कि 100% गवर्नमेंट ओन्ड, तो मतलब कि उसके बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में वो सरकार के लोग रहेंगे तो प्रोफेशनलिज्म रहेगा नहीं, धीरे धीरे आपने वो शेयर होल्डिंग डायल्यूट करते रहना चाहिए 50% तक, उसे नीचे कर देना, मतलब केवल 50% ही गवर्नमेंट ओनरशिप होनी चाहिए, बाकी प्राइवेट। अब रिफॉर्म्स के चलते चलते 2002-03 तक हम आके देखें तो ये जो ब्रेकअप करना था वो फिनिश हो गया, मतलब ऐसा पहले हमने देखा GIC वॉज द होल्डिंग कंपनी और ये चार लोग उसके सब्सिडियरी थे, आगे बढ़ के उसको तोड़ के अलग कंपनी कर दिया, तो मतलब नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल, इसके ऊपर उनका बाप GIC नहीं, सीधा सरकार ही उसका 100% शेयर होल्डर बन गया, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बना। और ये 100% सरकार ओनरशिप क्यों, क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि 100% गवर्नमेंट ओनरशिप। खैर, तो ये एक पिलर बना,
और क्योंकि जीआईसी अलग होके काट के अलग बना दिया, तो वो केवल अब काम देखती है री इंश्योरेंस का, और उसका बाप ऊपर कौन है? सरकार। मल्होत्रा रिफॉर्म के चलते चलते यहां तक पहुंचे। आगे ये 2015 के रिफॉर्म में चित्र और कैसे परिवर्तित हुआ, आप यहां पर देखिए, ये चारों कंपनियों में 100% मालिक कौन? सरकार। 2015 का अमेंडमेंट ये बोलता है, ये चार कंपनियां यदि चाहे तो एडिशनल फंडिंग ला सकती हैं। एडिशनल फंडिंग कैसे? आईपीओ लॉन्च करे, एफपीओ लॉन्च करे, ऐसा कुछ, मतलब एडिशनल शेयर आपने प्रिंट करवाए और पैसा निवेश होता रहे, और ऐसा करते करते इनको छूट है इस प्रकार से पैसा लाने की, प्रोवाइडेड दैट सरकार की शेयर होल्डिंग 51% से कम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ये बहुत सारी उसके फायदे एक ही लाइन में आ गए। एक प्रकार से क्या बोला इस अमेंडमेंट ने कि सरकार की 100% ओनरशिप वो अगर इच्छा हो तो डाइल्यूट करते करते 51% तक आप ला सकते हो, और उसका फायदा ये जितने आपने नए शेयर छाप दिए उतना एडिशनल कैपिटल मिला, और वो सारा कैपिटल यूज करके ये चार कंपनियां चाहे तो फिर रूरल एरिया में नई ब्रांच ऑफिस वगैरह खोल के पेनिट्रेट कर सकती हैं। सेकंड फायदा ये होगा कि जितना प्राइवेट सेक्टर ने इस प्रकार से आ गया तो उसके भी कुछ नुमाइंदे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेंगे, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आएगा काम करने में, तो मतलब एक तो रूरल पेनिट्रेशन बढ़ने में सुविधा क्योंकि वर्किंग कैपिटल आ सकता है, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ सके। सो लाइक दैट 2015 का ये अपना इंश्योरेंस अमेंडमेंट यहां पर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इस प्रकार से प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ प्रावधान दिया है। ठीक है, चार हमने देख लिए, एक तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस में कौन है? एलआईसी सरकारी। नॉन लाइफ में कौन? ये चार, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल। अभी पांच और छह देखते हैं। पांचवा होगा एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 52 में बना, उस वक्त उसका नाम कुछ अलग था, 83 में ये अभी वाला नाम पकड़ लिया है। तो एक्सपोर्ट आपको नाम से ही पता चलता है काम क्या करता होगा, एक्सपोर्ट में जो जा रहा है उसका कुछ ना कुछ जनरल इंश्योरेंस। आगे चल के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट बनाया, दैट इज NEIA 2006 में। इसका फंडा क्या है? ऐसे कोई एक्सपोर्टर जिसको यहां से लाभ ना मिल रहा हो अपनी ये ईसीजी से, उनको ये नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब वो उस वहां पर उसे कवर करेंगे। पांचवी हो गई ईसीजीसी। छठी कौन सी? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बनी 2000 में। घड़ी घड़ी पग का बंद करो, मन डिस्टर्ब था। इसका कौन है बाप? 30% शेयर होल्डिंग इज बाय नाबार्ड। सेकंड जीआईसी 35% शेयर होल्डिंग। थर्ड इज ये चार जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी अपनी सरकारी, उसका हर एक का 8.75% मल्टीप्लाई विद 4, तो कितना होगा? 35%। तो इस प्रकार से इसकी शेयर होल्डिंग बन रही, जैसी आरआरबी की कितनी थी, अब तो मुझे भी याद नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड वन स्पॉन्सर बैंक, लाइक दैट यहां पर कुछ है, तो एमसीक्यू में ये याद रखना है। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस और फिर नीचे मुख्य परीक्षा में भी कुछ ना कुछ चलता है, सब्सिडीज एंड स्कीम्स एंड वो सारी चीजें, तो ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ये क्या काम कर रही है, कुछ इसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट देख लेते हैं। एक तो है NAIS, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। फंडा क्या है? यदि कोई किसान खेती करने के लिए लोन लेना चाहता है, देन फॉर हिम इट इज कंपल्सरी कि उसने ये NAIS वाला इंश्योरेंस खरीदना ही होगा। सो ऐसे फंडा ये रहता है कि वो लोन लेगा तो थोड़ा प्रीमियम अपने आप कट के बाद में आएगा। यहां पर रिफंड में जो पैसा आएगा, इट इज इंडिविजुअल अप्रोच, मतलब पूरे एरिया में क्या रील रहती है आपके जो भी गांव, जिले, तालुके में, उस हिसाब से आपके खेत में कितनी फसल पैदावार हुई, प्रति हेक्टर इतना अनाज निकला नहीं निकला, तो जितनी कम यील्ड होगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा, मतलब इंडिविजुअल खेत में आपको कितना नुकसान हुआ, इसी प्रकार से ये चलती है। सामने दूसरी है WBIS, दैट इज वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये तो कंपलसरी है अगर आपको लोन लेनी है, तो ये वाली वॉलेंटरी है, अगर आपकी इच्छा हो तो लोन ले सकते हो, रेन, हीट, साइक्लोन, इस प्रकार के वेदर कैलेमिटी से आपको बचाता है। यहां पर रहता है एरिया अप्रोच, मतलब इंडिविजुअल फार्म में कितना नुकसान, ये नहीं, आपके पूरे ये ब्लॉक लेवल पे, जिले तालुके में कितना नुकसान, उस प्रकार से वो रिफंड तय करके रखते हैं, और आपका क्योंकि इतना हेक्टर का है खेत तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। आगे कुछ और प्रोडक्ट्स, पेरिल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये भी किसानों के लिए, इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल क्रॉप, ये भी कंपलसरी नहीं है, स्पेसिफिक यहां पर प्रोडक्ट रहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के लिए पोटेटो इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स कौन से? वो बालाजी चिप्स और लेस और उन कंपनियों ने जिनको बोला हो कि ये वाले सीड फर्टिलाइजर लेके इस साइज वाले आपके पोटेटो हमको चाहिए, उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स को मदद करने के लिए ये कुछ चला है। उसी प्रकार पल्पवुड, कोकोनट, ये सारी चीजें, खैर
कहीं एक दो लाइन में मुद्दा लिखना हो मुख्य परीक्षा में तो आप बोल सकते हैं। एक और जो इस क्लासिफिकेशन में नहीं आता बट फिर भी इंश्योरेंस का काम करता है, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, नाम से ही सीधा है क्या, बैंक डिपॉजिट में आपने पैसा डाला उसका इंश्योरेंस, बैंक खड्डे में चली गई तो आपको मिले राइट, और बैंक ने आपको लोन में पैसा दिया और आपने नहीं दिया तो बैक एंड में कहीं कुछ उसका इंश्योरेंस, ये काम करता है। और इसका बाप कौन है, 100% RBI ओन्ड। उसी प्रकार एक और भी संस्था है जिसका 100% RBI ओन्ड, कौन, नेशनल हाउसिंग बैंक राइट, नाबार्ड के बारे में वो नहीं बोल सकते लाइक दैट। सो ये इस प्रकार से बना है। दूसरी एक बात, आरबीआई के मेन कौन है, राजन भाई, दैट इज गवर्नर, उसके नीचे रहते हैं चार डेप्यूटी डायरेक्टर, उसमें से एक इसका साहब रहता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ज्यादा लिंक वो बैंकिंग परीक्षाओं में के लिए चाहिए तो यहां से आपको डेटा मिल जाएगा। खैर वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो सरकारी कौन कौन सी देखी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, यूनाइटेड, ओरिएंटल, ECC एक्सपोर्ट वालों के लिए, एग्रीकल्चर और DICGC बैंक डिपॉजिट क्रेडिट के लिए। सामने प्राइवेट में बहुत सारी हैं, अभी लिस्ट आगे हम देखेंगे। खैर अब तो मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसमें सरकारी तो लाइफ में LIC था, नॉन लाइफ में 4+2 वो देख लिए। अब सवाल यहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कब कैसे हुई राइट, तो वो हम बैंकिंग के पैरेलल देख लेते हैं ताकि दिमाग में फिट हो जाए। बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ था, सिस्टम खड्डे में गई, 91 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई, उसने क्या बोला, प्राइवेट बैंकों को अनुमति दीजिए, फॉरेन बैंक को अनुमति दीजिए, तो तीन राउंड में लाइसेंस प्रोसीजर चला राइट। 93 में हुआ, 10 बैंकों को लाइसेंस दिया जिसमें 6 चल गई और 4 खड्डे में चले गए, टाइम्स बैंक, सेंचुरियन, पंजाब याद करो। सेकंड राउंड हुआ 2001 में, यस बैंक, कोटक महिंद्रा आ गया। थर्ड राउंड हुआ 2013-14 में, दो आई नहीं कौन, बंधन एंड IDFC। सो लाइक दैट बैंकिंग सेक्टर में तो चला। ये सारी बातें हम L1P8 6-8 में बात कर चुके हैं पावर पॉइंट। इंश्योरेंस में ये कैसे चला, जैसे ये बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइजेशन के बाद खड्डे में गया और एक कमेटी बनी, सेम वे यहां पर इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन के बाद खड्डे में गया तो 93-94 में ये RN मल्होत्रा कमेटी बनी। RN मल्होत्रा कौन था, एक IAS था जो आगे चल के RBI का गवर्नर भी था। इसने बोला प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को भारत में अनुमति देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, तो तुरंत जहां यहां तो नरसिम्हन ने ऐसा बोला और 93 में काम हुआ, यहां इतनी जल्दी नहीं हुआ। सबसे पहले 96 में IRDA सेटअप किया गया, फिर 1999 में उसका कानून बनाया गया और उसके चलते 2000 साल से उसने काम शुरू किया और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को अलाउ करके आगे आगे बढ़ने लगी। आज की तारीख में कितनी कंपनियां हैं, सो लाइफ इंश्योरेंस में कुल मिला के 24 कंपनियां हैं, लिस्ट आपको इस लिंक पे मिल जाएगा ऑफिशियल IRDA साइट पे। जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कितनी है, 28, लिस्ट यहां से मिल जाएगा। री इंश्योरर कितना है, केवल एक, GIC, उसके आगे अब नए आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट ऑफ 2015, आगे अभी इसी स्लाइड में बात करेंगे। खैर तो एक तो फंडा ये रहा कि हाँ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को लाना है, और बातें इसने करी मल्होत्रा ने, केवल ऐसी प्राइवेट कंपनियों को इंश्योरेंस कंपनी का दर्जा देना चाहिए जिनके पास 100 करोड़ का कैपिटल हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100 करोड़ लेके कोई भी ओंगा पोंगा आके इंश्योरेंस कंपनी खोल दे। देयर शुड बी लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ एंट्रेंट्स, मतलब कितनी नई कंपनी आएगी उस पर कोई काबू होना चाहिए, अदरवाइज जैसे आज हर एक गली मोहल्ले खोपचे में वो कोचिंग क्लास एंड मॉक टेस्ट वाले रहते हैं, ऐसा इंश्योरेंस में हो जाए इट कैन क्रिएट मिस सेलिंग, फ्रॉड, एसेट बबल, सब प्राइम क्राइसिस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हाँ मिनिमम कैपिटल इतना, बट यू हैव टू कंट्रोल द नंबर ऑफ प्राइवेट एंट्रेंट्स। दूसरी नियम, एक ही कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस नहीं चला सकती, इन अदर वर्ड्स आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। थर्ड थिंग, यदि कोई फॉरेन कंपनी भारत में आना चाहे इंश्योरेंस के लिए तो उसे ब्रांच मत खोलने देना, वो केवल किसी भारतीय कंपनी के साथ टाइप करे, ज्वाइंट वेंचर बनाए, तभी जाके उसको भारत में ऑपरेट करने देना। तो इसके आगे अनुसंधान में क्या हुआ, 26% FDI और फिर वो चला। अभी नया अमेंडमेंट क्या बोलता है, 26 का बढ़ा के कर दो 49। तो जैसे नरसिम्हन वहां पर बैंकिंग सेक्टर का पूरा उसके दिमाग की उपज, उसी प्रकार इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हाल जो भी चला वो किसके दिमाग के ऊपर, मल्होत्रा की। आगे अब ऐसा करते करते क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आती रहेंगी तो सामने पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनी LIC और वो चार, वो इसे कम्पीट कर पाए उस हिसाब से उसका टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें अपग्रेड की भी आवश्यकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कितना आंकड़ा बोल के गए थे, 100 करोड़। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2015 का इंश्योरेंस अमेंडमेंट
वो क्या बात करता है। एक उसने बोला पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब आपके शेयर होल्डर ने आपके शेयर खरीद के जो कैपिटल आपको प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड योर पेड अप कैपिटल। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नए 2015 के अमेंडमेंट से क्या है, लाइफ इंश्योरेंस 100 करोड़, जनरल इंश्योरेंस 100 करोड़, हेल्थ इंश्योरेंस 100 करोड़, री इंश्योरेंस उसके लिए 200 करोड़। और यदि कोई फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी वो भारत में ब्रांच खोलना चाहती है, दे कैन ऑल्सो डू सो, प्रोवाइडेड कि उनकी विदेश में लंदन न्यूयॉर्क में बैठी हेडक्वार्टर कंपनी उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़। भारत की ब्रांच का 5,000 करोड़ नहीं, पेरेंट कंपनी का। अभी आज मल्होत्रा ने बोला था कि ब्रांच मत खोलने देना, बट नई सरकार बोले कि हाँ खोलने देंगे इस शर्तों पर। दूसरी बात, ये तो केवल हुआ कि शुरुआती पेड अप कैपिटल उतना होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ऐसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के नेट ओन फंड होने चाहिए 500 करोड़। अब ये क्या है, लंबा कैलकुलेशन रहता है, आपने लिए काम करना है, बट हाँ कि मिनिमम पेड अप कैपिटल और ये अपना नेट ऑन पेड कैपिटल। आगे बात, यदि आपको ये एफडीआई 49% वाला ये मजा लेना है, देन फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट एक तो होती है 1%, देन दैट इज प्राइवेट, और दूसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक तो ये हम बात कर चुके हैं L2P4 में। यहां पर नियम क्या बोला कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में आपने रजिस्टर कराना होगा, और फिर उसके शेयर में विदेशी इन्वेस्टर चाहे तो खरीदी कर सकता है। ऐसा शेयर होल्डिंग कितनी रहती है, 100%, राइट, उसमें से 49% विदेशी निवेशक खरीद सकता है। एंड 49% इट इज फॉर कंबाइंड एफडीआई एफआईआई मिल के दोनों को ही फॉरेन इन्वेस्टर बोला, और वो कुल मिला के कितनी खरीदी कर सकते हैं, मैक्सिमम दैट इज आउट ऑफ 100% 49% वो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये तो बराबर है, इस प्रकार से विदेशी निवेशक आ पाएगा, बट दिस इंश्योरेंस कंपनी इट मस्ट ऑलवेज रिमेन इंडियन ओन्ड सेकंड एंड इंडियन कंट्रोल्ड। इंडियन ओन्ड एंड इंटरनल कंट्रोल, ये जरा आप समझिए, 100% में से 49 आप समझो कि विदेशी निवेशक है, तो मतलब 51 कौन होगा, भारतीय। बट ऐसा भी नहीं कि 1% शेयर मेरे पास है, 1% आपके पास है, इस प्रकार से, अदरवाइज लाइक दैट, तो फिर वो किसी का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई काबू वगैरह रहेगा नहीं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडियन ओन्ड इंडियन कंट्रोल इस प्रकार की शेयर होल्डिंग बननी चाहिए, और जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी नियुक्ति हो, मैनेजमेंट, पॉलिसी डिसीजन, ये सारा किसके हाथ में होना चाहिए, इंडियन कंट्रोल होना चाहिए इस पर। अब ये तो मतलब मुख्य मुद्दा अब शुरू हुआ कि इस प्रकार से ये एफडीआई लाना है। स्वाभाविक है, अब ये लाया तो कुछ उसके फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। फायदे नुकसान तीन पिलर पे हम चर्चा कर सकते हैं। एक, कि इस प्रकार से एफडीआई तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी अगर फायदे में बोलना है, ना नहीं बढ़ेगी अगर आपको क्रिटिसाइज करना हिंदू की तरह। सेकंड थिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबिलाइज करेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाएगा, करेंसी में स्टेबिलिटी लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हाँ ये सब होगा, ये सब इम्प्रूव होगा यदि आप प्रो में बोलना चाहते हैं, ना ये नहीं होगा ऐसा अगर क्रिटिसाइज करना है। एंड थर्ड पिलर, रूरल पेनिटेशन बढ़ेगा या यूरल पेनिटेशन नहीं बढ़ेगा। एज सच मैंने दोनों प्रकार के हाँ और ना कवर कर लिए, एंड में जब भी आपको लिखना हो यू कैन परस्यू योर लाइन। तो शुरू करते हैं, हम यहां पर फोकस करेंगे सबसे पहले कि एफडीआई लाने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, ऐसा मैं बोलता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बढ़ेगा। देखते हैं कैसे बढ़ेगा अकाउंटेबिलिटी। हमने देखा यदि आपको ये फॉरेन इन्वेस्टर का 49% वाला मजा लेना है, देन यू हैव टू रजिस्टर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। तो ये बजाज एलियंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, रिलायंस लाइफ और ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे और उस हिसाब से पैसा अपने को एडिशनल कैपिटल आ जाए। अब आप समझो इस प्रकार से आईपीओ लॉन्च होगा तो वो शेयर बाजार में लिस्ट होगा, एंड इट विल बिकम वन टाइप ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई, मतलब इट विल फॉल अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और उसके पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे नॉर्म जरा बहुत टाइट है। टाइट कैसे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए, उसकी टर्म लिमिट, राइट, वीमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक इंडियन डायरेक्टर होना चाहिए, वहां पर ऑडिटिंग, विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होने चाहिए, फिर उसके सीईओ और दूसरे स्टाफ की मीडियम सैलरी का रिपोर्ट बना के देना होगा, ऑडिट अकाउंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे पैसा, और ये वो सारी चीज, तो ये और ट्रांसपेरेंट होगा और अकाउंटेबिलिटी इस हिसाब से बढ़ेगी। ये सारी बात हम लोग L2P4 में कर चुके हैं। सो लाइक दैट एक एंगल तो ये बना कि हाँ ये बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बढ़ेगा, कैसे। फर्स्ट थिंग, अगर आपने 49% वाला मजा लेना है तो देन यू हैव टू लिस्ट योर शेयर एट अ स्टॉक एक्सचेंज। अब ऐसा करने पर FII वाले आएंगे, बट वो तभी निवेश करेंगे अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लगा है। लेकिन
भारत की सभी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है कि उनको इतना मुनाफा हो या इतना मैच्योर है वो कि वो जाके अपना आईपीओ लॉन्च करे और वो ऊंची कीमतों पे बिके या ओवर सब्सक्राइब हो जाए। सो ऐसा होने से रहा और उस कारण से एफडीआई में या एफआईआई में कोई पैसा आने से रहा एंड देयरफॉर ये कोई काम होने वाला नहीं है। काउंटर आर्ग्यूमेंट में आप बोल सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी कि यदि इस प्रकार का अगर रेस चल गई तो छोटे प्लेयर फिर बड़ी कोई कंपनी के साथ मर्ज कर जाएंगे और फिर वो अपना टाइप करके नया आईपीओ लॉन्च करेंगे और फिर अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं। आगे मजा कब आ सकता है, आप अपना आईपीओ लॉन्च करो और नया कोई खरीदी करें, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारतीय पार्टनर उसको इसमें दिलचस्पी नहीं, ये जरा हम समझते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस का ब्रेकअप ज्वाइंट वेंचर कुछ ऐसा है, वहां पर एसबीआई का 74% और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दैट इज आईएजी उसका 26%। ये अमेंडमेंट आने से पहले 74-26 इस प्रकार से था। अब आप समझो अमेंडमेंट आने के बाद क्या है, बढ़ के कर सकते हैं राइट, ऑस्ट्रेलिया वाले 49% कर सकते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक एडिशनल आप कुछ कैपिटल ये लोग प्रोवाइड करें और डायल्यूट होके परसेंटेज में एसबीआई वालों का कम होके 51% हो जाए। अगर ऐसा ऑप्शन यूज किया गया देन इट विल बी गुड कि विदेश से नया वर्किंग कैपिटल अपने को मिल गया और ये कंपनी बढ़िया काम कर सके। ऑप्शन बी क्या हो सकता है, एसबीआई वाले अपने ये जो 74% शेयर है उसमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया वालों को बेच दें, राइट, तो इस हिसाब से परसेंटेज वाइज तो शेयर होल्डिंग इनकी बन गई 49 हो गया, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स नया कैपिटल तो कहां बाहर से आया, वो तो एक की टोपी दूसरे के सर पे चली गई, तो उस हिसाब से फिर नया कैपिटल नहीं आएगा तो पेनिट्रेशन नहीं बढ़ेगा एंड लाइक दैट, सो ये नेगेटिव में चला गया। आगे बात, यदि इस प्रकार से एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को अपने शेयर बेचेगी देन इट विल बिकम अ मैटर ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर उसको मुनाफा होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अगर अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टॉप 5 भारतीय प्लेयर ऐसा करें, क्या करें, अपना 74 से डायल्यूट करके 51 करें, उस हिसाब से शेयर बेचना शुरू करें, तो जितना उनको कैपिटल गेन होगा उस पर 20,000 करोड़ तक का कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार को आवक हो सकती है। बट वॉट इफ गॉड फॉरबिड ये लोग भी वोडाफोन वाली करें, मतलब केमैन आइलैंड में जाके कोई इनकी पोस्ट बॉक्स कंपनी लगा दे और सामने विदेश वाली कंपनी उसकी, और इनके बीच आपस में शेयर की तब्दील हो जाए और भारत सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स में एक भी पैसा ना मिले, वन टाइप ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, तो ये नुकसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरी चीज को, वोडाफोन वाला क्या मैटर था N25P3 में हम देख चुके हैं। काउंटर में आपको बोलना हो कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप कौन से मुद्दे जोड़ सकते हैं, आप याद करो बजट 2015 में जेटली ने बोला कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ज्यादा बड़ी बिल डील होगी तो भले विदेश में हुई तो भी हम आईटी वाले यहां से नोटिस मार सकते हैं, और आगे चल के कुछ सालों बाद 2017 में मेरे ख्याल से जनरल अग्रीमेंट और जनरल अवॉइडेंस अग्रीमेंट रूल हो GAR लगाना है अपने को, तो वो काउंटर में बोल सकते हैं, और उसके काउंटर में सामने वाले ये बोल सकते हैं वो तो 2017 में होगा, उससे पहले अगर इन्होंने ये गेम खेल दिया तो क्या, सो लाइक दैट मतलब इट इज प्रोवाइडिंग वन टाइप ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू ऑल द कॉलमनिस्ट इन द हिंदू, आज ये लिखेगा कल वो लिखेगा, और ये क्रिटिसिज्म मतलब 2017 तक कुछ ना कुछ चलता रहे। आगे अकाउंटेबिलिटी क्रिटिसिज्म में और क्या, खैर किसी भी तरह चलो अच्छा हुआ, मान लो ऐसा सोचते हैं कि विदेशी जो है पार्टिसिपेंट उन्होंने ढेर सारा कैपिटल दे दिया और उनका 49% शेयर होल्डिंग, हमने देखा कि नियम क्या है, इंडियन ओन्ड इंडियन कंट्रोल, राइट, बट फिर भी एक बार फॉरेन पार्टिसिपेंट उसका यहां पर पैर लग गया तो हो सकता है वो अपना कोई भी सूटकेस राज चला दे या फिर कोई लॉबिंग कर दे या फिर कोई लूप होल ऐसा इस्तेमाल करा दे, तो मतलब टैक्सेशन कैपिटल गेन्स रॉयल्टी कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी करेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट का भय है। सेकंड थिंग, भले वो रही इंडियन ओन्ड इंडियन इंश्योर इंडियन कंट्रोल, बट उसका मान लो जो भी सीईओ या टॉप एग्जीक्यूटिव है ये फॉरेन पार्टी ने उसको अगर चाबी डाल दी कि भाई तू हमारे हिसाब से ही काम करना और आगे 3-5 साल बाद हम तुमको यहां से उठा के वहां लंदन न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में बड़ी पैकेज से नौकरी दिलवा देंगे, अगर इस प्रकार की कोई डील होती रही तो ये कंपनी भले इंडियन ओन्ड इंडियन कंट्रोल हो बट इट विल नॉट वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्लाइंट्स। सेम वे एक ही कंपनी के बोर्ड के अंदर कुछ लोग रहते हैं, बैकएंड में उनके कहीं और सप्लाई दूसरी कंपनियों में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलते रहते हैं तो फॉरेन कंपनी के साथ टाइप है, मतलब गड़बड़ियां करने के बहुत सारे चांस हैं, और इस प्रकार से गड़बड़ियां होती रही, हो सकता है कि ये क्लाइंट का प्रीमियम में जो भी पैसा है वो जंक बॉन्ड रिस्की बॉन्ड में ये कुछ पैसा डाल दे, एसेट बबल क्रिएट हो जाए, कोलैप्स हो जाए, सब प्राइम क्राइसिस जैसा कुछ यहां पर हो सकता है, दैट इज व्हाट केस सिनेरियो। काउंटर में हम क्या बोल सकते हैं, आप याद करो
बैंक में क्या होता है सीआरआर एसएलआर राइट, सेम भी यहां पर भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न नाम से कुछ पैसा इन्होंने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ता है। तो ये ऐसा भी नहीं, और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तो नियम रहते हैं डबल ए ट्रिपल ए रेटिंग वाले में ही पैसा डालना है प्रीमियम का। सो ये ऐसा नहीं कि जंक गोल्ड वो विजय माल्या की कोई कंपनी में डाल दिया और खड्डे में ले गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये मतलब गलत नीचे इन्फॉर्म किया जा रहा है। आगे आईआरडीए को नए अमेंडमेंट में और पावर दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने वगैरह के, और सेट के ऊपर एपेलेट स्ट्रक्चर वगैरह, तो मतलब इस प्रकार की गड़बड़ी करने के चांस बहुत कम है। स्वाभाविक है कोई भी एफडीआई आएगी तो ट्रेड यूनियन वालों को मजा नहीं होगा। ट्रेड यूनियन वालों को मजा क्यों नहीं है, उनको ये चिंता है कि वो 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वो उसमें डायल्यूशन होते होते 51% हो जाए और प्राइवेट सेक्टर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आ जाए और फिर वो पूरा सिस्टम टाइट कर दे, तो उनको जो मजा मिल रहा है वो कम होता रहेगा। नेक्स्ट थिंग, इस प्रकार की एमएनसी टाइप मेंटालिटी से चलने वाली कंपनियां तो ऊपर से हमेशा रहेगा टारगेट ड्रिवन इंडस्ट्री, इतना काम करो वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर अगर कोई गड़बड़िया भी कर रहा होगा तो विसल ब्लोअर, किसी ने कुछ किया केवाईसी नॉर्म नहीं हो रहा है तो उसको भी नौकरी से निकाल देंगे। सो लाइक दैट देयर कुड बी जॉब लॉस बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ और नॉन लाइफ सेक्टर, वहां पर प्राइवेट की एंट्री के लिए क्या मल्होत्रा बोल के गए कि इन सबको एंट्री। आप तो आगे चल के 26 से बढ़ा के कर दिया 49%, और कुछ उसका क्रिटिसिज्म हमने देखा पर्टिकुलरली फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इन्वेस्टमेंट और रूरल पेनिट्रेशन वो आगे अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब इंश्योरेंस में ये लाइफ नॉन लाइफ में कुछ बोलना था, थोड़े थोड़े मुद्दे हम देखें। आगे बढ़ते हैं री इंश्योरेंस, दैट इज पुनर्बीमा। ये क्या चीज है, बहुत सालों पहले न्यूयॉर्क शिकागो लंदन यहां पे देयर वर ग्रेट फायर इंसिडेंट्स, तो जिन लोगों ने भी इंश्योरेंस कराया था उनको तो खैर बीमा कंपनियों ने पैसा दे दिया, बट इतने बड़े पैमाने पे आग लग गई कि इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत बड़ा घाटा हो गया। तो अब देखो ये क्या है, एक ये काला छाता क्या कर रहा है, नीचे के बंदे को बारिश से बचा रहा है, बट ये काला छाता ऐसा सोचे कि मेरे ऊपर भी एक छाता होना चाहिए जो मुझे भी बारिश से बचाए, दैट इज री इंश्योरेंस। सो मतलब री इंश्योरेंस क्यों करते हैं कि ये अपनी जो नीचे लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसने जितना भी बिजनेस किया है, जितने भी क्लाइंट पकड़ के रखे हैं उसके ऊपर इतनी जेल लाइबिलिटी बनी, उससे बचने के लिए वो थोड़ा पोर्शन कहीं और किसी और बंदे से री इंश्योरेंस कराए। फायदा इसका क्या है, पीक प्रॉफिट और पीक लॉस को ये स्टेबिलाइज करता है। पीक लॉस कब हो सकता है, इस प्रकार का कोई ग्रेट फायर या ऐसी कोई चीज हो जाए, उस केस में जो कंपनी को नुकसान होगा लेटर से LIC, तो वो कौन भरपाई कर देगी, GIC वाले। सो पीक प्रॉफिट पीक लॉस के बीच स्टेबिलिटी आएगी आपको, आपका रिस्क एक प्रकार से स्प्रेड आउट हो जाएगा, और एयरलाइन क्रैश लास्ट के कोई डैमेज हो गया उन सब चीजों से आपकी कंपनी को ये बचाता है। भारत के अंदर कैसे, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो LIC के पास इतना पैसा है कि बहुत सारे लोग भी मर जाए तो भी वो उन सबको अगर सेटल कर दे फिर भी उसको कोई चिंता नहीं। लेकिन IRDA ने नॉर्म्स बना के रखे हैं कि चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे उनके पास जितना भी पैसा हो, स्टिल दे हैव टू गेट री इंश्योरेंस, ऊपर उन्होंने प्रोटेक्ट के लिए स्टेबिलाइज करने के लिए लेके रखना पड़ेगा। अब अपने इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत केवल एक ही री इंश्योरेंस है, कौन, GIC वाले। इसका मोटो क्या है, आपातकाले रक्षायामी। ये कैसे बना, 72 एक्ट के चलते जो नेशनलाइजेशन हुआ इन्होंने ये अस्तित्व में आए। आगे चल के साल 2000 में ये भी बोला गया कि ये भारत के केवल अकेले री इंश्योरर रहेंगे, उस हिसाब से इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करके ये प्रावधान कर दिया। आगे चल के 2002-03 तक वो GIC के नीचे सब्सिडियरी में जो चार कंपनियां अलग बैठी थी जनरल इंश्योरेंस वाली, वो अलग कर दी और सरकार वहां पर 100% मालिक। क्या GIC ने क्या काम किए, एयर इंडिया, फिर अपना ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सबका ये डायरेक्ट इंश्योरेंस इसने करा। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पूल का पूरा मैनेजमेंट ये देखता है, इसके पास जो भी पैसा इस प्रकार से आया खुद का और दूसरा ये LIC और दूसरी जो भी सरकारी प्राइवेट कंपनी वाले इंश्योरेंस री इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में इसे पैसा दे रहे हैं। ये सारा पैसा कहां पे निवेश होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, UTI, दूसरी पब्लिक प्राइवेट कंपनियों में। कानूनन भारत में ऑपरेट कर रही इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी री इंश्योरेंस लेना है, लेटर से 100% लेना है, तो उसका 20% इनसे ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा कानून है। बाकी का कितना बचा 80% रिक्वायरमेंट, वो चाहे तो विदेश जाके भी ले सकते हैं, जैसे कि ये म्यूनिक री इंश्योरेंस, म्यूनिक रे, स्विस रे, लाइक दैट। नियम उसमें रहता है कि उसका BBB रेटिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए। अब तकलीफ कि आप अगर
बाहर क्यों जाना पड़ता है इनको, क्योंकि जीआईसी के पास इतना फंड या इतना एक्सपेंशन कैपिटल है ही नहीं कि ये पूरे भारत की सभी इंश्योरेंस कंपनी को केटर कर पाए। इस कारण से ये भारत की कंपनियां बाकी का री इंश्योरेंस लेने के लिए विदेश में म्यूनिक रे स्विज रे के पास जा रही हैं। तो सवाल, वो वाली कंपनियां भारत में क्यों नहीं आती, उसका कारण क्या था? एक तो मल्होत्रा बोल गया कि ब्रांच के नाम पे इनको खोलने मत देना, और दूसरा भारत में कहीं टाइप करना हो तो ओनली 26%। तो ये लोग सोचते हैं कि हम क्यों आए, स्वाभाविक है ऐसा कुछ तकलीफ है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट में क्या बोला गया, 2015 के अमेंडमेंट के अनुगत फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो भारत में आ सकती है दो तरीके से। एक तरीका तो ये कि भारत में आके सीधी ही ब्रांच खोल दे, प्रोवाइडेड कि उनकी न्यूयॉर्क लंदन में बैठी जो भी पेरेंट कंपनी है उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5,000 करोड़ होना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है किसी भारतीय री इंश्योरेंस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर टाइप कर दे अप टू 49% FDI। तो इस प्रकार से अब आप सोच सकते हैं जीआईसी के अलावा भी कोई कंपनियां बनेंगी और उस हिसाब से जो भी मार्केट में स्टेबिलिटी आई और नीचे काम करने में सुविधा रहे। आगे एक बात, री इंश्योरेंस की नई व्याख्या की गई। मान लो मैंने अपनी एक 100 करोड़ वाली इंश्योरेंस कंपनी खोल दी, आप सबसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लिया और वो सारे बिजनेस का मैंने कहीं और इंश्योरेंस करा दिया, मतलब अपना जोखिम कोई भी नहीं, एक प्रकार से मैं क्या बन गया, एजेंट ही बन गया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा रिस्क सभी कंपनी ने अपने स्तर पे रखना है। सो इन दिस वे री इंश्योरेंस का नया डेफिनेशन ये है, पार्ट ऑफ द रिस्क ट्रांसफर टू अनदर कंपनी या अनदर इंश्योरर। अगर आपने पूरा अनुमति छूट दे दी तो ये प्राइवेट कंपनी वाले कहीं और डाल देंगे इसकी टोपीज के सर पे और पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सो फॉर ड्यू डिलीजेंस प्रूडेंस ही चलती रही, इस कारण से री इंश्योरेंस मतलब पूरा पूरा नहीं, थोड़ा ही करना है, बाकी कंपनी ने खुद थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी ईपीएफओ ईएसआईसी एनपीएस अटल पेंशन देख लिया। इंश्योरेंस की थियरी अलग अलग प्रकार, उसमें क्या समस्या है, प्राचीन भारत से उसका इतिहास, ब्रिटिश इंडिया, बाद में नेशनलाइजेशन में तकलीफ, तो आगे प्राइवेट कंपनियों को आने दो, उस हिसाब से कुछ बातें करी और उसके कुछ फायदे नुकसान पर्टिकुलरली एफडीआई वाले देख लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम क्या देखेंगे कि ये सभी पर मॉनिटरिंग करिए, आईआरडीए बना है तो उसके नए क्या क्या पावर हैं और दूसरे मुद्दों की चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा जी।